ये राजीव चौक स्टेशन है। तो फाइनली कितने दिनों बाद ये आवाज़ सुनी और आज इसी स्टेशन पे उतर के मैं आपको घुमाऊंगा आज पालिका बाजार। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आलसी ब्लॉगर पर और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट एंड दोस्त अश्वनी अत्री। दोस्तों, ये मेरे चैनल पे पहली ब्लॉग वीडियो है जिसमें मैं आज आपको घुमाने लेके आया हूं पालिका बाज़ार और यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा क्या कुछ है विंटर कलेक्शन में इस बार, क्योंकि सर्दी आनी शुरू हो गई हैं तो क्या कुछ मिल रहा है किफ़ायती दामों पर पालिका बाज़ार में, किस तरह का माहौल है लॉकडाउन के बाद, वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। तो चलिए और शुरू करते हैं पालिका बाज़ार का ये सफ़र। विंटर सीज़न तो आ ही रहा है, साथ ही साथ फेस्टिवल सीज़न भी है, दिवाली है और तमाम तरह के त्यौहार हैं। तो ऐसे में शर्टें आप देख रहे हैं तो इस मार्केट में शर्टों की भरमार है। एक अफोर्डेबल प्राइस पर आपको काफ़ी कलरफुल टी शर्ट वगैरह आपको मिल जाएंगी। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये एक बहुत ही बेहतरीन शर्ट इस समय मेरे हाथ में है। कपड़े की बात करूँ, A1 क्वालिटी, कोई नुकसान नहीं है आपको इस शर्ट को लेने में। कलर बहुत अच्छा है, साथ ही साथ जो इसका प्राइस क्या होगा भैया, कितने प्राइस में पड़ जाएगी? 350 रुपीज़ में आपको एक शर्ट मिल जाएगी, जो बहुत ही बेहतरीन एक शर्ट आपके लिए साबित होगी, कपड़े के मामले में भी और कलरफुल के मामले में भी। और देखिए, आप वैरायटी देख सकते हैं कि कितनी वैरायटी है यहाँ पर कपड़ों कलर्स में। अगर आप थोड़ा कहीं बाहर जाने का प्लान बनाए तो इस तरह के लाइट ब्लू कलर्स वगैरह ले सकते हैं, जैसे मैं आपको ये वाली दिखाऊँ। तो ये जो कलर है शर्ट का, ये बहुत ही अच्छा और एक प्लेन शर्ट है ये, जो बहुत अच्छी हो सकती है आपके लिए। तो आप अगर पालिका आ रहे हैं तो शर्ट कलेक्शन आपको देखना है तो आप यहाँ स्टॉल पर शर्ट का कलेक्शन देख सकते हैं। अभी हम एक हुडीज़ के स्टॉल पे हैं जहाँ काफ़ी शानदार जो नया फैशन है उसके हिसाब की हुडीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये येलो कलर में और ये रेड कलर में है, जिस और कपड़ा जो है उसकी बात करें तो बहुत स्टाइलिश है और आपको तमाम हुडीज़ यहाँ पे मिल जाएंगी। सर्दियों में बहुत ज़्यादा पहन जाती है, कूल लुक देती हैं आपको हुडीज़, और स्पोर्टी लुक में अगर आप पसंद करते हैं स्पोर्ट्स लुक तो ये बहुत ही बेटर होने वाला है। तो आप स्टॉल पे आ करके हुडीज़ के लिए ज़रूर इस स्टॉल को एक बार आप विज़िट कर सकते हैं। बहुत शानदार आपको बढ़िया कपड़े में और बढ़िया हुडीज़ आपको यहाँ पर मिलेंगी। प्राइस क्या होगा भैया इन चीज़ों का? अगर मैं आपसे 550 550 रुपये के आसपास आपको ये हुडीज़ की कॉस्ट पड़ेगी, लेकिन बहुत ही शानदार हुडी है। अगर आप आते हैं पालिका बाज़ार तो ये हुडी के स्टॉल पे एक बार आप ज़रूर विज़िट करें। सर्दियों का टाइम आ गया तो उसमें आप जींस वगैरह तो हमेशा ही कैरी आउट करते हैं, सर्दियों चाहे गर्मी हो, और यहाँ पर बहुत बेहतरीन पैंट्स अवेलेबल हैं। जींस की पूरी स्टॉल में लाइन लगी हुई है, साथ में जो आप फॉर्मल वियर अगर आप ऑफिस में पहनते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी शानदार यहाँ पर काफ़ी अच्छी पैंटें यहाँ पर अवेलेबल हैं स्टॉल पर। ये स्टॉल बिल्कुल जैसे आप पालिका बाज़ार में एंट्री करेंगे, गेट नंबर 1 के बगल में जो स्ट्रीट जाती है वहाँ पर ये स्टॉल है, तो आप यहाँ पैंटें देखने आ सकते हैं। फॉर्मल में मैं आपको पैंट दिखा रहा हूँ, बहुत कपड़े की बात करूँ तो कपड़ा भी बहुत काफ़ी, मतलब जिस प्राइस रेंज में ये अवेलेबल है 450 से 500 रुपये की ये पैंटें हैं, उस रेंज में देखा जाए तो ये बहुत ही बढ़िया एक पैंट आपके लिए फॉर्मल ऑफिस लुक में। ये आप देखिए, एक पीस मैं आपको दिखाऊँ तो इस तरह से भी यहाँ पर अवेलेबल है, जो लेटेस्ट फैशन में चलता है। अगर आप कभी पार्टी में जाना चाहते हैं या आप कहीं बाहर आउटिंग करते हैं तो इस तरह की पैंट बहुत ही शानदार आपके लिए हो सकती है। तो ज़रूर जब भी पालिका आएँ, और अगर आप एक जींस की ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको आपकी किफ़ायती दाम पे एक बढ़िया जींस आपको मिल सकती है।
दोस्तों कोरोना का समय चल रहा है, आपको अपना ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है और उस ध्यान रखने में मास्क का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। आपको इजीली मास्क कहीं भी अवेलेबल हो जाता है, लेकिन अगर आप कभी भूल जाते हैं मास्क लगाना या लेना तो यहाँ पे बहुत सारे हॉकर्स हैं जो आपको मास्क इजीली अवेलेबल करवा देंगे और कॉस्ट भी इसकी ज़्यादा नहीं है। आपको ये 20 से 30 रुपये में मास्क आपको मिल जाएगा यहाँ किसी भी हॉकर से। देखिए भैया, गर्मियों में तो हम चप्पलों में काम चला लेते हैं, लेकिन सर्दियां आ गई हैं और सर्दियों में आपको अच्छे शूज़ तो चाहिए ही जब भी आप बाहर निकलेंगे अब घर से, क्योंकि कोरोना को अब लोगों के अंदर डर ख़त्म हो गया और लोग बाहर खूब निकल रहे हैं। तो आप भी बाहर निकलेंगे और शूज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे और वेराइटी मौजूद है शूज़ की, तो बहुत बढ़िया कलेक्शन है यहाँ पर। आप देखेंगे शूज़ का काफ़ी बढ़िया मटेरियल है और तमाम तरीके के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, वाइट में है, ब्लैक में है, जो ट्रेंडी कलर्स होते हैं, साथ में ब्लू कलर जो अच्छे दिखते हैं उस तरह के, और काफ़ी स्पोर्टी लुक्स में अगर आप पसंद करते हैं। स्पोर्ट्स शूज़ हमेशा से ट्रेंड में रहते हैं, हमेशा फुल ईयर, ऐसा नहीं आप कभी भी पहन के किसी भी चीज़ के साथ इन शूज़ को कैरी कर सकते हैं। तो ये शूज़ बहुत बढ़िया है। पालिका बाज़ार आएँ और शूज़ खरीदना है तो यहाँ विजिट करें। प्राइस में आपको पूछ कर क्या प्राइस के आसपास जी 350 यहाँ पे प्राइस है, रीजनेबल बहुत ही। 350 में आप यहाँ पे काफ़ी चीज़ें, अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पसंद है पहनना तो आप डिफरेंट चीज़ें कैरी करना चाहते हैं, अलग अलग हफ्ते के अलग अलग दिन लोग शूज़ पहनना अलग अलग डिफरेंट पसंद करते हैं, तो आप यहाँ से बहुत सारे शूज़ का कलेक्शन उठा के ले जा सकते हैं और हर दिन डिफरेंट आप दिख सकते हैं मात्र 350 रुपीज़ में। दोस्तों ये जैकेट्स वगैरह भी आनी शुरू हो गई हैं, हैवी जैकेट्स ज़्यादा ठंड के लिए, ये भी मार्केट में अब दिखनी स्टार्ट हो गई हैं पालिका बाज़ार में। और इसकी कॉस्ट आपको कितनी पड़ेगी, 500 रुपीज़ आपको इसकी कॉस्ट पड़ेगी इस जैकेट की। हैवी है और अच्छा मटेरियल है, सर्दी में इसके अंदर आपको अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, बाइक पर बैठ के सफ़र कर रहे हैं तो इसको पहन के करेंगे तो हवा आपको नहीं लगेगी और काफ़ी प्रोटेक्टिव है ये आपके लिए। डिफरेंट कलर्स भी अवेलेबल हैं और ये यूनिसेक्स मटेरियल है दोनों के, ये गर्ल्स के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सारे कलर है यहाँ पे। एक कलर मैं आपको ये दिखाऊँ, ये रेड कलर में है, ये गर्ल्स के लिए है। दोस्तों सर्दियों में लोग जिम जाना ज़्यादा पसंद करते हैं गर्मियों के, तो यहाँ पे जिम बैग भी अवेलेबल है इस मार्केट में। आप ये बैग्स देख सकते हैं, जिम बैग लेदर का इस पर कोटिंग है और इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार ये बैग, और इसकी कीमत जो है वो 200 रुपये मात्र है। तो 200 रुपये में आपको एक बहुत बढ़िया लेदर कोटिंग का ये बैग मिल जाता है। हालांकि ये रिक्जिन का माल है और लेकिन ये बैग बहुत ही शानदार है, इसको मैं देखूँ तो आपको बताऊँ। और इसमें काफ़ी आप सामान पुट कर सकते हैं, इसकी अपनी ट्राउज़र्स वगैरह जो भी आप लेके जाना चाहते हैं जिम में वो इजीली कैरी कर सकते हैं। और एक लुक भी बहुत बेहतरीन है इस बैग का, तो आप ज़रूर जब भी पालिका आएँ और अगर आप जिम जाते हैं या पसंद करते हैं जिम जाना स्टार्ट करते हैं और आपको एक बैग चाहिए तो यहाँ से बहुत ही कम कॉस्ट में आपको एक अच्छा बैग मिल सकता है। तो गाइज़ आपको पूरा दिखाने के बाद बाज़ार में क्या क्या अवेलेबल है, हालांकि जो बेसमेंट मार्केट है उसके अंदर इस तरह से शूट करना अलाउड नहीं है तो वो मैं आपको नहीं बता पाया, लेकिन आप जब विज़िट करें तो अंडरग्राउंड ज़रूर जाएं शॉपिंग के लिए, वहां भी काफ़ी वैरायटी उपलब्ध होती है। और जो बाहर होकर से उनसे मैंने आपको दिखाया कि कितना लेटेस्ट फैशन विंटर के लिए आना शुरू हो गया है, आपके लिए हुडीज़ यहाँ पर अवेलेबल हो गई हैं, जैकेट्स अवेलेबल हो गई हैं और तमाम तरह की जो चीज़ें हैं मार्केट में नई विंटर के हिसाब से वो आना स्टार्ट हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये पहला व्लॉग वीडियो खासा पसंद आया होगा और कोरोना काल में जिस तरह से अभी लोगों ने बाहर आना शुरू किया हुआ है उसको देख करके लगता है कि लाइफ जो है वो मास्क के साथ नॉर्मल होनी शुरू हो गई है। तो आप भी बाहर आ सकते हैं, फेस्टिवल सीज़न आ चुका है, दिवाली पास में ही है और शॉपिंग सबको करनी ही होगी, तो आप किफ़ायती दामों पे यहाँ शॉपिंग करने के लिए आ सकते हैं। और मेरा व्लॉग आपको पसंद आया है ये तो इस पर लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या क्या नए व्लॉग मुझे बनाने चाहिए, और मैं जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर इस चैनल पे पूरे होंगे तो मैं रिवील करूँगा कि आखिर मेरे चैनल का नाम मैंने आलसी व्लॉगर क्यों रखा है। तो तब के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें।